स्वागत एक बार फिर आपका इस चैनल पर। तो प्रदेश में 25,772 करोड़ के निवेश से 13,250 लोगों को मिलेगा रोजगार, ये बड़ी हेडलाइन है। और सरकारी न्यूज़पेपर आप गिरिराज देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अब तक 75,700 करोड़ के 570 MOU, इसको कहते हैं MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर किए गए हस्ताक्षर, ये मुख्यमंत्री द्वारा बयान दिया गया है। ये सरकारी न्यूज़ है और सरकारी ही न्यूज़पेपर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसकी जानकारी शॉर्ट में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। देखिएगा, बेरोज़गारी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ये बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उनको या जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू करवाना चाह रही है हिमाचल प्रदेश सरकार। इसमें एक तो ये होगा कि हिमाचल को इसमें आमदनी बढ़ेगी, हिमाचल की जो इनकम है या जो कर है वो आपको इसमें हिमाचल को आएगा, ठीक है, टैक्स। और उसके साथ ये रोज़गार जो ये मिल जाएगा इसमें सभी जो बेरोज़गार युवा, जिसमें 13,000 का आंकड़ा इसमें आपको बताया, 13,000 तक जो लोग हैं इनको इसमें रोज़गार मिल जाएगा। देखिएगा न्यूज़ क्या है, प्रदेश सरकार आगामी 7 से 8 नवंबर 2019 को धर्मशाला में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने के लिए शिमला में बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा विभाग द्वारा पावर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें 2,927 मेगावाट की क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 10 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर किए गए, जिनमें से 25,772 करोड़ रुपये का निवेश हिमाचल में होगा। ये आपको इसमें न्यूज़ बताई हुई। इसमें 13,250 लोगों को रोज़गार प्रदान किया जा गया, इसमें रोज़गार मिलेगा अगर ये सब कुछ हो जाता है तो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल की 3 ऊर्जा एजेंसियां जैसे SJBNL, NTPC, NHPC राज्य में पनबिजली का दोहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि जल विद्युत परियोजना के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बना हुआ है और ये राज्य के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस क्षेत्र के महत्व को समझती है और क्योंकि ये न केवल राज्य की पन बिजली की आपूर्ति को पूरा करता है बल्कि पड़ोसी राज्य को भी ये बिजली की आपूर्ति पूरी करता है, प्राप्ति का मुख्य साधन भी है। और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऊर्जा क्षेत्र में निवेशकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस प्रकार से आगामी 7 से 8 नवम्बर को धर्मशाला में होगी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट और इसमें अगर ये कंपनियां फिर आ जाती है तो बहुत से लोगों को हिमाचल प्रदेश में रोज़गार मिलेगा। जैसे कोई प्रोजेक्ट में किसी को रोज़गार मिल जाएगा, किसी को किसी कंपनी के थ्रू रोज़गार मिलेगा, तो बहुत से लोग जो बेरोज़गार है जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है तो उनको भी इससे फ़ायदा होगा। और अगर ये कंपनी हिमाचल में निवेश करती है तो फिर राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी थोड़ा सा बल मिल जाएगा इसमें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए कि प्रदेश में 25,772 करोड़ के निवेश से 13,250 लोगों को मिलेगा रोज़गार। अब तक 75,700 करोड़ रुपए की ये 570 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर किए गए हस्ताक्षर, ये मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी और ये सरकारी न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं।